और आज हम एक खास विषय यानी कि जन्माष्टमी को लेकर बात करने वाले हैं कि किस तरह हम श्री कृष्ण को प्रसन्न करें और वो हम पर धन दौलत की बरसा करें। तो क्या अर्पित करना है ऐसा कि श्री कृष्ण हम पर बरसाएंगे अपनी कृपा। चलिए शुरुआत करते हैं इस खास कार्यक्रम की और बात कर लेते हैं जन्माष्टमी के महोत्सव को लेकर। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। इस बार जन्माष्टमी का पर्व 18 अगस्त को मनाया जाएगा। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण को उनकी प्रिय चीज़ें गिफ्ट करने से धन लाभ होता है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन भक्तों का उत्साह देखने लायक होता है। इस दिन भजन कीर्तन किए जाते हैं, रात में जागरण किया जाता है। इस दिन श्री कृष्ण का आशीर्वाद पाने के लिए उनकी प्रिय चीज़ें उन्हें अर्पित की जाती हैं। अगर आप भी जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद पाना चाहते हैं और आर्थिक समस्याओं से छुटकारा चाहते हैं तो एक छोटा सा उपाय चमत्कार कर सकता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन जन्माष्टमी पर जब इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा, श्री कृष्ण की जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाएगी। इस साल यह त्यौहार 18 अगस्त 2022 के दिन बृहस्पतिवार को पड़ रहा है। पुरानी कथाओं की माने तो जन्माष्टमी के मौके पर बाल गोपाल पर चांदी की बांसुरी चढ़ाना शुभ माना गया है। इस बार जन्माष्टमी के दिन पूजा पाठ के साथ अगर श्री कृष्ण के पास चांदी की बांसुरी रख देंगे तो धन संबंधी परेशानियां दूर होंगी। वास्तु के अनुसार घर पर बांसुरी रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। चलिए जानते हैं कि चांदी की बांसुरी रखने से क्या होते हैं फायदे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार श्री कृष्ण को बांसुरी बेहद प्रिय है। वास्तु के अनुसार घर में बांसुरी रखना शुभ माना जाता है। कहते हैं घर में लकड़ी, बांस, चंदन, पीतल या फिर सोने चांदी की बांसुरी रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मान्यता ये भी है कि श्री कृष्ण को चांदी की बांसुरी अर्पित करने से व्यक्ति धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। व्यक्ति व्यापार में दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करता है। अर्पित करें चांदी की बांसुरी। शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण को बांसुरी बेहद प्रिय है, इसलिए उन्हें बंसीधर, मुरलीधर जैसे नामों से पुकारा जाता है। इतना ही नहीं, मुरली और बांसुरी को शुभ प्रतीक में शामिल किया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्माष्टमी के खास मौके पर कान्हा जी को चांदी की बांसुरी अर्पित करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर की आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं, व्यक्तिगत जीवन में खूब तरक्की होती है। चांदी की बांसुरी रखने के फायदे। दूर होती हैं पैसों की तंगी। चांदी की छोटी सी बांसुरी श्री कृष्ण को चढ़ाने के बाद उसे अपने पर्स में रख ले। इससे पैसों की तंगी दूर होती है और व्यवसाय नौकरी में उन्नति हो सकती है। घर में रखने से मिलती है तरक्की। ज्योतिष में कहा गया है कि अगर बांसुरी को घर में रखा जाए तो उससे व्यक्ति को नौकरी और व्यवसाय में तरक्की मिलती है। वही पूजा की गई बांसुरी को घर में रखने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है। इसके अलावा चांदी की छोटी सी बांसुरी भी श्री कृष्ण को अर्पित करके अपने पर्स में रख सकते हैं। मनोकामना की पूर्ति होती है इससे। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण के पास चांदी की बांसुरी पूजा में रखने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और नौकरी व्यवसाय के अंतर्गत आ रही समस्याएं भी दूर होती हैं। तरक्की में होती है वृद्धि। चांदी की बांसुरी से भगवान कृष्ण की पूजा करने से सारी समस्याएं दूर होती हैं। जीवन की राहों में तरक्की मिलती है। इससे धन संपत्ति में होती है वृद्धि। पूजा में रखी गई बांसुरी को अगर आप घर के किसी भी कोने में रख देंगे तो घर पर धन संपत्ति में वृद्धि होगी। तिजोरी में रखना। शुभ जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण पर चढ़ाए गए चांदी की बांसुरी को तिजोरी में रखेंगे तो ये काफ़ी शुभ माना जाता है। नौकरी व्यवसाय के लिए करें पालनहार की पूजा। भगवान कृष्ण को जगत पालनहारी भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना गया है। जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान कृष्ण से जुड़े शुभ प्रतीकों से उनकी पूजा करने पर सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और नौकरी व्यवसाय में आ रही समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। तो आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का
इकलौता जरिया है बांसुरी। चांदी की बांसुरी ज़रूर रखिए भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए। और देखिए, अगर आप अपनी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल उपाय जानना चाहते हैं, या फिर आप जानना चाहते हैं पामिस्ट्री के माध्यम से उपाय, या टैरो कार्ड रीडिंग कराना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर लगातार नंबर मौजूद है, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। और भगवान कृष्ण को किस तरह से खुश किया जाए इसके लिए भी उपाय जान सकते हैं। तो तमाम जो सब्सक्राइबर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं उनका सहृदय धन्यवाद। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, उनसे अनुरोध है। और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको अपडेटेड वीडियोस मिलते रहें। फिलहाल आपसे चाहेंगे इजाज़त, नमस्कार।